बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने हदीस नंबर 2 पढ़नी है। तलब इलम की। फरीदतुन फ़र्ज है, अला पर कुल्ली हर मुस्लिम मुसलमान पर। अच्छा जी, इलम की तलब हर मुसलमान, अब ये ब्रैकेट में लिखा, मैं इसके ऊपर अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मर्द और औरत पर फ़र्ज है। कुल्ली मुस्लिम कहा गया, कुल्ली मुस्लिमतुन औरतों नहीं कहा गया, कुल्ली मुस्लिम और मर्द नहीं खाली कहा गया, राजुल नहीं कहा गया, मर्द और औरत कहा गया। ये बात काबिल जिक्र है कि अगर हम ये कहें जी नहीं औरतों की तालीम रहने दी जाए, सिर्फ लड़कों को दी जाए, तो ये गलत है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस पाक से साफ जाहिर हो जाता है कि मर्द और औरत कुल्ली हर मुसलमान पर है। अच्छा जी, इंसानी फितरत नेचर का बुनियादी तकाजा है, डिमांड करती है ये कि इसे अपनी ज़ात, अपने बारे में पता हो मेरे जिस्म में क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं, और कायनात के बारे में भी हर अच्छाई और बुराई बुरी बात का इलम हो। देखें, ये अच्छाई का इलम होगा तो अच्छाई की तरफ जाएंगे, बुराई का इलम होगा तो बुराई से बचेंगे। तो ये सारा कुछ इलम क्या है, इसके लोग भी मानी मैं बताऊँ, जानना, पहचानना, आगाह होना, किसी चीज़ की ज़ात की हकीकत से आगाह होना, समझ आ गई। इसके बगैर ये देखें जी, मैंने लिख दिया, किसी चीज़ की हकीकत से आगाह होना, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना, कोई भी चीज़ है उसकी हकीकत का पता चल जाना, ये है बेटा इल्म, ये है बेटा इल्म। ये याद रखना, हवासे खमसा के ज़रिए जो मालूमात हमें हासिल होती है उसे भी इल्म कहते हैं, 5 सेंसेस है ना उसके, लेकिन ये मैंने इसका बता दिया आपको, किसी चीज़ की हकीकत से आगाह होना ये भी इल्म है, इल्म के इस्तलाही मानी मैंने आपको बता दिए। इस के बगैर ना तो इंसान दुनिया में बेटा तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक और मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। कुर्ब के मीनिंग है नज़दीकी। कुर्ब के क्या मीनिंग है? नज़दीकी। ये ले बेटा नज़दीकी, मैंने लिख दिया, इसका मीनिंग भी आपको लिखकर बता दिया। कुरब का करीब भी होता है, कुरब का करीब भी होता है। लेने बेटा हो गया मैंने। इंसान की बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस में इलम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजमी करार दिया है। जबकि अब इसकी सूरत हाल देख लें कि हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासब परसेंटेज निसफ है, निसफ आधा, ये MCQs भी आया हुआ है, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों के स्कूल का तनासुब है आधा निसफ, तो निसफ आधे को कहते हैं। लड़कियों के मदारिस क्या होता है बेटा? मदारिस स्कूल को कहते हैं। स्कूल की तादाद भी आधी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादे ग्रामी पर अमल के लिए ज़रूरी है कि हम लड़कियों की तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो दें, ताकि कोई बच्ची अनपढ़ और जाहिल ना रह जाए। एक बंदा कहता है कि एक औरत की तरबियत पूरे ख़ानदान की तरबियत है, ताकि वो बड़ी होकर जब वो अपने ख़ानदान अपनी माँ के रूप में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेगी तो वो बहुत अच्छी तरबियत करेगी। तो एक बुज़ुर्ग का और कॉल है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूँगा। ये देख लें, इंसान उस वक़्त तक अपने मकाम और अल्लाह की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ यानी कि अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारियों को जान नहीं सकता जब तक वो इलम की जस्तजू की राह पर गामजन ना हो, उस रास्ते पर चले ना, उसे इलम की लगन ना हो। दूसरी बात ये है कि
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے. آپ دیکھیں نا, ہمیں جو بھی یہاں کر رہے ہیں ہمیں اس کی جواب دہی ہونی ہوگی, کرنی ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر نیکی اور گناہ کا پتہ ہو. نیکی کا پتہ ہوگا تو نیکی کریں گے, گناہ کا پتہ ہوگا تو گناہ سے بچیں گے. اچھائی اور برائی کا علم ہو, حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اچھائی کا پتہ ہوگا تو اچھائی حاصل کریں گے, برائی کا پتہ ہوگا تب ہی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخرت میں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو, سرخرو کا میننگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. اب بیٹا آپ کو ایک پکچر دکھاؤں گا, پی ڈی ایف کے ایم سی کیوز دکھاؤں گا جو پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ ہیں اس حدیث سے. دیکھیں بیٹا, دوسری حدیث سے ریلیٹڈ جو جو ایم سی کیوز آئے ہیں, حدیث کے مطابق بچوں کے لیے ضروری ہے مناسب تعلیم. ہر مسلمان پر فرض ہے, میں نے یہ چھوڑا ہے نا, یہ دوسری حدیث کا ہے, تیسری حدیث کا ہے, علم حاصل کرنا. ہر مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا. لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب ہے زیادہ برابر نصف. یہ ہم نے پڑھا تھا نا نصف. علم حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورت پر. اوپر آپشن میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی گئی, ٹھیک ہے, مرد اور عورت. علم کی طلب ہے عبادت, فرض دولت. تو یہاں پر فرض ہے, ٹھیک ہے بیٹا. یہ بیٹا کچھ شارٹ کوشچن ہے جو پاس پیپر میں آئے ہیں. علم کے سیکھنے کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ نجیز کا ترجمہ کرے, سیم کوشچن بس ہیر پھیر کیا ہے. علم کی طلب کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت پر. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ کہ اپنے آس پاس ارد گرد کی چیزوں کے متعلق اسے علم. یہ صرف چار شارٹ کوشچن اس میں سے آئے ہیں. شکریہ.